मम्मी बहुत खुश हैं इकोनॉमी में बैठ के। मम्मी ने कहा बेटा मैं तुझे ही बैठने दूंगी बिजनेस क्लास में कि हमारी अर्थ सच में राउंड है। गाइस ये सच में बहुत सुंदर अपार्टमेंट है यार। अभी मेरे मैंने कुछ एक बिनमुलाये मेहमान आया हुआ है। अगर आप लंदन आ रहे हो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के बिना ये लंदन आपका अधूरा है। भालू वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा ट्रिप डे। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करने लंदन जा रहे हैं। और आज के दिन आपको पता था क्या हुआ था अगर आपने दृश्य मूवी देखी है तो भाई मैं हूँ रेडी। ये मेरा एयरपोर्ट लुक है, पूरा पूरा ब्लैक। मतलब एयरपोर्ट का मेरा यही लुक रहता है, चाहे एयरपोर्ट हो या कहीं भी जाऊँ। बस शर्ट ब्लू 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 शर्ट मैंने रख ली है अपने बैग में दो, तो मैं शायद दो अगर रखी है तो मैं तीन दो या तीन दिन तो पहनूंगा लंदन में। आंटी नमस्ते भैया। नमस्ते, हम जा रहे हैं भाई। इसके बाबू का ध्यान रखियो, बाबू का और इसका इसका। जब मैं ऐसे बोलता हूँ शीरो आंटी को अच्छा लगता है, तो अब चल के तो ऊपर चल के चेक कर देखते हैं सब कितने रेडी हुए। वैसे मैं अकेला हूँ जो नहाके नहीं जा रहा है, सब नहाके जा रहे हैं। मैं लंदन जाके नहाऊंगा। मैंने सोचा यार सीधे मुझे लंदन का पानी टच करेगा, मतलब ब्रश वश तो कर लिया, ऐसा नहीं है, फेस वॉश भी कर लिया। चलो ऊपर चलते हैं। सब कितने कितने तैयार हुए? शीरो भी आ गया। हाँ भाई क्या हुआ, कैसे तैयारी हो रही है अभी तक? आज मैंने सोचा सीधा लंदन का पानी टच करेगा मुझे। सब रेडी, वो तो आप देखो, मेरा तो कैमरा ये रहा। मुझे ये तो नहीं चाहिए। नहीं दो दो क्यों लेके जा रहे? एक माँ के पास भी डीजे है। इनमें से एक लेके जाना, कौन सा लेके जाना? ये डीजे है वो? ये तो थोड़ी सोचने वाली बात है। जो तो बिहान सिखा है। दोनों सेम ही है, बस इसमें क्या है, ये जो है ना ये वाला भैया का, इसमें तुम आगे खुद को देख सकते हो। देखना क्यों है? अब कौन सा रिकॉर्ड करते मैं? अरे जैसे आप देखिए तू फ्रंट बना रहा है, तू तो आगे का दिख रहा है ना स्क्रीन में, कैसा है तू? अगर तो आउट ऑफ फ्रेम होगा तो कैसे पता चलेगा? तो सही ले लो फिर भी क्यों ले? तो आउट ऑफ फ्रेम हो गया या तो जैसे नहीं, प्रैक्टिस नहीं है, मुझे आता है कैसे चलाना है, क्योंकि मैंने ये वाला चलाया हुआ है। दोनों सेम ही है, बस अलग अलग कंपनी का है। सब अपना एयरपोर्ट लुक दिखाओ एक बार। ये वही शूज है जो अभी नहीं लाए थे मम्मी? ये है हमारे करण पाजी का, ये गाल। तू मेरे साथ ट्रेनिंग कर रही है? मैं तो पहले तैयार हो गई। इसने पहले मुझे देख लिया। मैं पहले हो गई। ये है पाई का एयरपोर्ट लुक, पाई का भी पूरा ट्रैक सूट है। ओके गाइस, हमारी बोर्डिंग और सब हो चुकी है, अभी हम मंच करा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज। और ये मम्मी है, मम्मी बहुत खुश हैं इकोनॉमी में बैठ के। मम्मी ने कहा बेटा मैं तुझे ही बैठने दूंगी बिजनेस क्लास में। दूसरी करा ली मम्मी ने, अपग्रेड करा ली मम्मी पापा दोनों ने। और गाइस सबसे अच्छी बात है कि हाँ सुनो ना, वो पैसे कह रहे हैं कि ये दो वो दो, अपना आधार कार्ड दो। पाई कह रहे आधार कार्ड क्यों चाहिए, पासपोर्ट तो ये वो पैसे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट मांगा। पाई कह रहे बिजली का बिल चाहिए, घर का रजिस्ट्री चाहिए, ओटीपी चाहिए मेरा। मम्मी देखो ये इसलिए पैसे इसलिए टेढ़ा बोलना सिखा देना, पाई के साथ रहना ये। हाय गाइस, तो हमारा चेक इन हो चुका है, मैं अपने सीट पे हूँ 6A, मेरी विंडो सीट है। आप यहाँ से व्यू देखो मेरे को, और डी की फ्लाइट है तो बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखेंगे रास्ते में, बट थोड़ी उल्टी सीट है मेरी, आप देख सकते हो। ये सीनियर है 6B, मेरा इधर है 6A, मम्मी पापा है उधर प्रीमियम इकोनॉमी में। आई होप आप देख पा रहे हो, तो बच्चे उधर फर्स्ट सीट है वो मम्मी और पापा की है प्रीमियम इकोनॉमी। और मैं थोड़े टाइम में मम्मी से चेंज कर लूँगा, अभी थोड़े टाइम में यहाँ मजा करूँगा, बट जब थोड़ा मम्मी को सोना होगा, मम्मी सोने के लिए यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि मम्मी और पापा ने भी अपनी अपग्रेड कर लिया साथ में। करण और सैनी वो पीछे हैं, करण की तो थोड़ी अपनी पूरी बिजनेस थिंग है, वो कह रहे हैं मैं सीट में एक्स्ट्रा क्यों इन्वेस्ट करूँ, मैं वहाँ जाकर शॉपिंग करूँगा। वो तो पक्का बिजनेस मैन है भाई, वो माना ही नहीं। मतलब पापा सोचो अपग्रेड करें, उसे नहीं करवाया, नहीं मैं तो वहाँ जाकर शॉपिंग करूँगा बस। एक मम्मी पापा से मिल के आते हैं, आई होप वो उधर है, आपको पता नहीं मम्मी दिख रहे हैं या नहीं। हेलो गाइस, तो अभी मेरे को स्टार्टर सर्व कर रहे हैं। स्टार्टर में मैंने सेलेक्ट किया था ये स्वीट पोटैटो हैं, चटपटा स्वीट पोटैटो नेम था इनका, और ये बहुत अच्छे से इन्होंने रेडी किया है। ऊपर कोई ये क्रीम है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, ये चाट है ये इसके साथ आई है, और ये पता नहीं क्या, ये शायद मफिन है। तो ये मेरा स्टार्टर है, अभी मेन कोर्स आएगा, फिर एक बार और मेन कोर्स आएगा, क्योंकि 9 घंटे की फ्लाइट है ना, तो उसमें 2 या 3 बार खाना सर्व होता है, चाय वगैरह भी आएगी। तो क्या क्या मिलता है ब्रिटिश एयरवेज, अगर आप प्लान कर रहे हो ब्रिटिश एयरवेज से बिजनेस क्लास फ्लाई करने का, तो मैं आपको दिखाऊंगा आपको मतलब क्या क्या मिलेगा सारी चीज़ें। अच्छा, स्टार्टिंग में मेरे को डाइट कोक मिली थी जो मैंने बोला था, और पीनट्स मिले थे। अब ये मेरी सेकेंड मील है स्टार्टर्स।
गाइस जो कहते हैं ना हमारी अर्थ राउंड है और कुछ फ्लैट अर्थर्स होते हैं, तो उनके वो मैं दिखाना चाहूँगा। आई होप आप देख पा रहे हो इस साइड से कि हमारी अर्थ सच में राउंड है। आपको कर्व दिख रहा होगा, एक कर्व, वो एक माउंटेन है, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो या नहीं। वो एक माउंटेन दिख रहा है बड़ा सा आपको, वो इतना बड़ा माउंटेन है मुझे प्लेन से भी दिख रहा है। तो गाइस पहले लंच हुआ था, अब टाइम है ये डिनर, नहीं नहीं तब ब्रेकफास्ट था, अब ये लंच है। अभी लंच में स्टार्टर में मेरे को ये बीट रूट पापड़ी दी है, ये कुछ स्वीट डिश है, ये हॉट चॉकलेट और ये ब्रेड। अभी मेन कोर्स आएगा, मैं मेन कोर्स में भी क्या आएगा वो भी आपको दिखाऊंगा। गाइस तो हम ऑलमोस्ट लैंड होने वाले हैं, आप देख सकते हो। आई थिंक 2 या 3 मिनट में हम लैंड हो जाएंगे लंडन में। और वो रेनबो भी आ रहा है, पता नहीं आपको रेनबो दिख रहा है या नहीं। हेलो गाइस, मैं हूं अपने रूम में, आपको थोड़ा सा टूर दिखाता हूं। अभी मेरे मैंने कुछ एक बिनमुलाए मेहमान आया हुआ है, तो ना हम सब जा रहे हैं बाहर। देखो मम्मी पापा तो थक गए, वो अभी कितने इंडिया के कितने बजे होंगे, मैं कि इंडिया के 12:30 हो रहे होंगे, यहाँ लगभग 8 हो रहे हैं। पर हम तीनों को अभी कोई थकावट नहीं है, हम तीनों जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। पूरा तो कल करेंगे, अभी कुछ हमें थोड़ा जरूरी सामान भी लेके आना है। अभी एक एक किस्सा बताता हूं छोटा सा। क्या हुआ? अभी क्या हुआ, मेरे पास डिलीवरी ऐप से कॉल आया कि पहले सर नाम क्या बोला, जो भी बोला आई एम अनेबल टू कनेक्ट यू और वो ऐसे करके बहुत दिन हमारी बात हमारे ड्राइवर इज ट्राइंग टू रीच यू, ही इज अनेबल टू रीच यू, जस्ट लेट मी नो हाउ डू आई रीच यू, ऐसे करके बहुत सारी चीजें पूछने लगा। लास्ट मैंने उसको बोला बोला उसने मेरे को बोला यूके नंबर अपना मेरे को दे दो। मैंने बोला यूके नंबर नहीं है, इंडियन नंबर है। तो बोला अरे तो भाई इंडियन नंबर दे दो ना। कोई इंडियन नहीं था। अच्छा, अरे मैंने कहा भाई दे रहा। ये बहुत बढ़िया हुआ गाइस। और ये मेरा रूम, मेरे रूम से आपको बाहर का व्यू, ये मेरा रूम, ये साइड में गुस्सा है। चलो चलो गाइस, आपको यहाँ से वो दिखाता हूँ, आपको गोरिया दिखाता हूँ। चलो मैंने देखा, नीचे आके दिखाएंगे। तो भाई क्या कह रहा है कि कह रहा गाइस, तो आपको यहाँ से गोरिया दिखाता हूँ। भैया तू यहाँ तुझे मेरे साथ छोड़ यार। गाइस अभी रात के टाइम में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे घूम रहे हैं, मैं, करण और ये करण के बग्गा। बग्गा क्या खा रही है, दिखा दियो एक बार मेरे रूम्स को। स्ट्रॉबेरी। अच्छा बता ये स्ट्रीट कैसे लगी तेरे को, जितनी तू तारीफ सुनती थी। बट अभी आज हम थोड़ा लेट आए ना, तो ये ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके 80%। मैं बताता हूँ आप लोगों को भी, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इज लंदन। अगर आप लंदन आ रहे हो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के बिना, ये लंदन आपका अधूरा है। अब मैं यहाँ घूम रही तो मुझे समझ आ रहा है कि यार ये बिल्डिंग है गाइस स्क्वायर फीट, जिस कल हम शॉपिंग करने यहीं आएंगे। बट अभी तो ऑलमोस्ट ये पूरा बंद हो चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारे लंदन में मतलब आज मेरी फर्स्ट मॉर्निंग है, हम सब उठ चुके हैं। और मैं अभी आपको टाइम दिखाता हूँ, अगर काश मैं भाई इसी टाइम इंडिया में भी डेली उठ जाऊँ तो क्या ही बात है। 5:41 हो रहे हैं अभी, और किसी को नींद ना, नींद तो सबको आ गई पर सब 4 बजे से उठे हुए हैं, सब इधर उधर घूमे ना। 5:41 तक मैं पूरा फ्रेश सब हो चुका हूँ। अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे तैयारी कर रहे हैं चाय बनाने की। तो नीचे चल के सबसे मिलाते हैं, सबसे पूछते हैं सबकी यहाँ पे फर्स्ट नाइट कैसी रही, सबको कैसी कैसी नींद आई। चलो, और ये मेरा रूम है यार, मैंने सबसे बड़ा रूम ले लिया। मम्मी कुछ बनाया चाय वाय? ये भाई वो जिसने कल भूखा रखा हमें। नहीं ये इसे सब चीजें सही है। अरे तू ना कितनी बेकार जगह पे ले गया भाई, ऐसा मस्त खाना खिलाया इन्हें तो बस दिन लग रहे हैं। हाँ यार, सबसे ज्यादा ऐसा है। मैं बना रहा हूं, पी लो जाओ। देखो सबने पी ली। इधर नहीं हो भालू, इधर नहीं हो भालू वाले कपड़े को पहन रखे हैं। मैंने बब्बी ने सब ठीक कर दूंगा, अब आई भी वाइट। तो ठीक है, तुम्हारी पार्टी है, हम दोनों की हम जाओ घूमना। ना ना ना, मैं आपकी पार्टी में रहूंगा। शॉपिंग करने को ज्यादा बोल दिया ना, मैं ठीक करूंगा। सर मेरे चाय बना, भाभी चाय बनाना, भाभी चाय बनाना मेरे लिए। चले
आ जाओ देखिए खूब दिन ये रखे कप चाय हम लोग दोनों तीन तीन बार पी ली चलो 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 अरे बनाने सिखा बनाने मुझे आ, मैं सिखाऊंगा बल्कि बताओ क्या करना है जाओ ऐसा मैं वहाँ हीरो बनकर आता हूँ ना तू बना ले मम्मी मैं तो कह रहा हूँ मम्मी से पूछो मैं कह रहा हूँ अगर हम इंडिया में डेली से टाइम से उठ जाए तो क्या बात है और सब देख और यहाँ जब आने वाले हैं तब कितने बजे उठाओ एक मिनट इधर आई ना सही मम्मी पापा ना इधर देखियो इधर देख परेशान मत कर चल बाबा आ जा चलो भाई चाय बनाने की तैयारी दूध मैंने डाल दिया चल ली तेरा ये काम किसने बांटा ऑर्डर देने वाला मम्मी ने ठीक है चाय वाला तो इतनी डालता हूँ ना अभी पता नहीं कौन सा मसाला ये बहुत ही अच्छा है बस मेरी चाय बन चुकी है एज एक्सपेक्टेड नहीं थी मैं थाली में तो बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ क्योंकि वहाँ मेरे पास एक एक चीज है अदरक है वो भी है जिससे पूरा वो उसको कूट के डालते हैं ना तो ये मेरी चाय ज्यादा अच्छी नहीं बनी ये मुझे भी ज्यादा अच्छी नहीं लगी मैंने छोड़ दी अब सब यहाँ बैठो मैं ऊपर जा रहा हूँ अपनी गूगल ड्राइव अपलोड करने ऑडियंस को टाइम टू टाइम व्लॉग देना है ना आपकी वजह से तो हुआ है देखो ना तो मसाला लाई वहां तो बड़ी बड़ी बात कर दी मैं कह रहा हूं मसाला लिए वो भी लिए जिससे वो सारी चीजें खूटे हैं हाँ 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 यहाँ कुछ ना लाई फिर अब मेरे बैग में बिना मैं तो ये सोच रहा मेरे बैग में चाय का सारा सामान है मैं इसलिए खुशी खुशी वेट उठा रहा हूँ गाल पकड़ो मम्मी सच में मम्मी ने कही है मम्मी ने कही दिखा दिखा देखा देख मम्मी को सैंडी की तो गाल और इसके बता दे पहले है ना इसके कान बहुत एक बार देखा चुटकी बजा के दिखाऊंगा एक बार दिखा दे वो बस बस कान तो लगी क्या पकड़ा था वो नहीं पकड़ा था वो तो मार है पीछे भगाया बहुत दूर तक एक किलोमीटर तक पीछे भगाया उसके कान टच कर लो तो पता ना हाँ पता ना उसका क्या दिक्कत है जैसे को बीवी बता रहा है ना बीवी ने गांव में उसे छेड़ दिया कि मैंने तेरा खेत बिगाड़ दिया बीवी कराओ सुबह से शाम तक मेरे पीछे डंडा लेके भगा वो काकी सर गाइस ये सच में बहुत सुंदर अपार्टमेंट है यार देखो इसका अपार्टमेंट टूर तो आपको ये तो बम्बे के ब्लॉग में लेंगे सैंडी के में दोनों में मिलेगा थोड़ा थोड़ा ये मैंने डाला है ना बाबा इधर देखियो मैं देखती हूं एक बार तो ऐसे ही रहा एक बार ऐसे देती अपना रूम का लेकिन रूम कुछ चलती है थोड़ा खत्म सा हो रहा हटियो गाइस मैं दे रहा हूं आपको सैंडी का चीक्स टूर गर्ल टूर अब हम जा रहे हैं ऊपर गूगल ड्राइव पे अपनी क्लिप्स अपलोड करने क्योंकि ये आज ही आएगा मेरा ब्लॉग मैं भी कर दूं देखो गाइस करण को करण का रूम में इतना दिखा रहा हूँ करण का रूम में देखो मजनू भाई पेंटिंग है ये करण मजनू भाई है ना करण में पेंटिंग करता है तो घोड़े की पेंटिंग वाला रूम दिया है इसको